28 नवंबर को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा आ रहे हैं। तारगर मैदान पर होने वाले एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 28 नवंबर को आगरा आगमन को लेकर नगर निगम और प्रशासनिक अमला कार्यक्रम की तैयारियों में जुट गया है। गुरुवार सुबह नगर निगम और प्रशासनिक अमला तारगर मैदान पर पहुंचा और इस मैदान पर होने वाले कार्यक्रम की तैयारियां शुरू करा दी। नगर निगम टीम इस पूरे मैदान की साफ सफाई में जुट गई है। मैदान पर खड़ी हुई लंबी लंबी घास को काटा जा रहा है, तो वहीं सुरक्षा की दृष्टि से भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आपको बता दें, सुबह मुख्यमंत्री का 28 नवंबर जो कार्यक्रम था, पहले GIC मैदान पर होना था, लेकिन अचानक से फेरबदल हो गया है। अब यह कार्यक्रम तारगर मैदान पर होगा। 28 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगरा आगमन और कार्यक्रम को लेकर नगर आयुक्त निखिल टीकाराम फुडे से वार्ता हुई। उन्होंने बताया कि 28 नवंबर को मुख्यमंत्री आगरा आ रहे हैं, वे एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। यह कार्यक्रम प्रशासनिक होगा, जिसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। तारगर मैदान को दुरुस्त बनाया जा रहा है और सुरक्षा की दृष्टि से भी इंतजाम देखे जा रहे हैं। तो जो सूचना प्राप्त हुई है यहाँ प्रशासन से, उसके अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी का एक यहाँ पर सभा प्रस्तावित है 28 तारीख को, तो उसी की तैयारियाँ यहाँ देखने आए हैं और व्यवस्थाएं देखने आए हैं। और यदि कार्यक्रम 28 को होता है तो मुझे यकीन है कि बहुत ही अच्छे से कार्यक्रम यहाँ आगरा द्वारा कराया जाएगा, और बस यही तैयारियाँ देखने आए थे। सर, पॉलिटिकली सभा हुई है या कोई वैसा? नहीं, अभी तक तो प्रशासनिक कार्यक्रम बताया गया है और इसीलिए हम लोग यहाँ पे हैं। पॉलिटिकल होता तो जाहिर सी बात है कि हम लोग यहाँ पे नहीं होते। तो अभी तक किस तरीके की तैयारी की जा रही है? तैयारी यही है कि अगर इस मैदान में होता है तो इसकी साफ सफाई हो, क्योंकि ये मैदान में कुछ घास निकल आई है तो घास की कुछ रंगाई पुताई हो जाए, यही जो जनरल तैयारियां होती है वही की जा रही है। सर, पहले GSP बताया जा रहा था, अभी अचानक बदल दिया गया? ये मुझे लगता है आपको जिलाधिकारी जी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि स्थल का चयन वो लोग करते हैं और हम लोग उस पर काम कराते हैं, तो उस पर टिप्पणी करना मेरे द्वारा ठीक नहीं है। सर, ताजगढ़ वार्ड में आप लोगों की डिस्टेंस